साहस सरोकार। नवाबों का शहर लखनऊ, जो अपनी नजाकत और नफासत के लिए खास तौर पर जाना जाता है, देश विदेश से भी जो इस शहर में आता है वो बस यही कहो के रह जाता है। पहले आप वाली तहजीब के लिए इस नवाबी शहर को निहारने लोग दूर दूर से आते हैं। लखनऊ शहर की अपनी एक अलग ही पहचान है। लखनऊ को लोग चिकन की कारीगरी, लजीज व्यंजन और यहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की वजह से ज्यादा पहचानते हैं। इन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों का हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा बेजोड़ वास्तुकला का बेहतर उदाहरण है। इसका निर्माण लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने साल 1784 में कराया था। इसे असफाई इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इमामबाड़े का गेट बाहर से बड़ा भव्य दिखता है। इसके अंदर जाने पर सुंदर आंगन के बाद एक बड़ा सा हॉल है। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। यहाँ की छत करीब 15 मीटर से ज्यादा ऊंची है। इमामबाड़े का हॉल बिना किसी बीम के ईंटों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इमामबाड़े में तीन बड़े बड़े कक्ष हैं, जिनकी दीवारों के बीच लंबे गलियारे मौजूद हैं। इन गलियारों की चौड़ाई करीब 20 फीट है। इमामबाड़े के ऊपरी हिस्से पर बनी घनी और गलियारे नुमा संरचना को भूल भुलैया कहा जाता है। इस भूल भुलैया की खास बात ये है कि यहाँ 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्ते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन निकलते अलग अलग जगहों पर हैं। इन रास्तों पर लोगों का भटकना आम बात है। इनमें कई लंबी लंबी सुरंगें भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया की भूमिगत सुरंगें लखनऊ को दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को जोड़ती है। भूल भुलैया के कुछ रास्ते ऐसे भी थे जिनमें फंसकर काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन भूलने वाली सुरंगों में से कई रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। भूल भुलैया के गलियारों की बात करें तो यहाँ की दीवारों की कुछ खूबियां हैं जो इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। यहाँ की दीवारों के एक छोर की हल्की सी आवाज दूसरे छोर पर आसानी से सुनाई पड़ जाती है। वही इमामबाड़े के अंदर ही शाही बाउली है, जिसमें सीढ़ीदार कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि बाउली में मौजूद कुआं अंदर ही अंदर गोमती नदी से जुड़ा है, जिस कारण यहां हमेशा पानी भरा रहता है। बाउली की 2-3 मंजिलें पानी से ऊपर रहती हैं, जबकि बाकी सब पानी के अंदर हमेशा डूबी रहती हैं। जानकारों की माने तो सबसे पहले यहाँ कुआं खोदा गया, जिसके बाद इसके पानी का इस्तेमाल बाउली, इमामबाड़े और भूल भुलैया के निर्माण में किया गया। इमामबाड़े के अंदर ही एक मस्जिद भी है, जिसे आसिफी मस्जिद कहते हैं। छोटा इमामबाड़ा। राजधानी लखनऊ में बड़े इमामबाड़े के अलावा छोटा इमामबाड़ा भी है, जो अपनी बेहतरीन नक्काशी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बड़े इमामबाड़े से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटा इमामबाड़ा काफी हद तक ताजमहल जैसा ही लगता है। छोटे इमामबाड़े का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1837 में कराया था। ऐसा माना जाता है कि इस इमामबाड़े के मुख्य भवन में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह, उनकी मां बेटी और दामाद की कब्रें इसी के अंदर बनी हुई हैं। मुख्य इमारत के सामने नहर, बगल में बाग और एक तरफ सफेद मस्जिद इंडो पर्शियाई वास्तुकला का बेहद बेजोड़ नमूना है। छोटे इमामबाड़े को क्रेमलिन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। छोटे इमामबाड़े की मुख्य चोटी पर सुनहरे रंग का गुंबद है।
मकबरे के दूसरी ओर सतखंड नाम का एक अधूरा घंटाघर है, जिसका निर्माण कार्य मोहम्मद अली शाह की मौत के बाद रोक दिया गया था। मोहम्मद अली शाह की मौत के वक्त घंटाघर की सिर्फ 4 मंजिलें ही बन पाई थी। दरअसल छोटे इमामबाड़े को बनाने का मकसद लोगों को काम के बदले अनाज देना था। जिसने भी इस इमामबाड़े को बनाने का काम किया उसे अनाज दिया गया। छोटे इमामबाड़े को पैलेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि त्योहारों के वक्त इसे अच्छी तरह सजाया जाता है। रूमी दरवाजा। बात लखनऊ की हो और रूमी गेट का जिक्र ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। ये गेट लखनऊ की खास पहचान है। बड़े इमामबाड़े के बाहर स्थित रूमी गेट को पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये दरवाजा करीब 60 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा था। रूमी दरवाजे की डिजाइन किफायत उल्लाह ने तैयार की थी। रूमी गेट की बनावट काफी हद तक तुर्की के सुल्तान के दरबार से मिलती जुलती है। यही कारण है कि इसे तुर्किश गेट भी कहा जाता है। लखनऊ के नवाब इस गेट से अपने शहर का पूरा नजारा लेते थे। घंटा घर। हुसैनाबाद इलाके में स्थित घंटाघर को देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। साल 1887 में निर्मित इस 221 फीट ऊंचे घंटाघर का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। इस घंटाघर की डिजाइन रास्केल पायने ने तैयार की थी। ये टावर विक्टोरियन गोथिक शैली की वास्तुकला का बेहद शानदार नमूना है। घंटाघर में घड़ी की सुइयां विशिष्ट धातु की बनी है। इसमें 14 फीट लंबा और 1.5 इंच मोटा पेंडुलम है। लखनऊ के इस ऐतिहासिक घंटाघर को निहारने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। रेजिडेंसी। लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक रेजिडेंसी का अपना पुराना इतिहास रहा है। रेजिडेंसी में 1857 की क्रांति के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों में तोप के गोलों के निशान क्रांतिकारियों की वीर गाथा को बखूबी बयां करते हैं। रेजिडेंसी परिसर ने क्रांति के दौरान घेराबंदी में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें खंडहर नुमा चर्च और कब्रिस्तान है, जहां अंग्रेज सैनिकों, औरतों और बच्चों की कब्रें मौजूद हैं। रेजिडेंसी का निर्माण साल 1775 में आसिफुद्दौला के वक्त शुरू हुआ था और साल 1800 में नवाब सादत अली खान के शासन में पूरा हुआ था। बेगम हजरत महल पार्क। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था। नवाब को कलकत्ता भेजे जाने के बाद बेगम हजरत महल को प्रभार सौंपा गया था। अंग्रेजों से लड़ाई में बेगम हजरत महल काफी बहादुरी से लड़ी थी। बेगम हजरत महल की याद में बनाए गए इस पार्क को जनता के लिए 15 अगस्त 1962 में खोल दिया गया था। आज के वक्त में ये पार्क लखनऊ के लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक की खास जगह बन चुका है। इसमें हरी भरी घासों के बीच बने पत्थर के रास्ते देखने में काफी आकर्षक लगते हैं। यहाँ कई फव्वारे भी लगे हैं, जो इस पार्क की खूबसूरती में और 4 चांद लगाते हैं। मोती महल। लखनऊ की प्रमुख इमारतों में गोमती नदी के दाएं किनारे पर बना मोती महल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसका निर्माण 18वीं सदी में नवाब सादत अली खान ने कराया था। मोती महल के गुंबद की चमक मोती जैसी होने के कारण इसका नाम मोती महल रखा गया। वैसे तो लखनऊ अपनी वास्तुकला के लिए पूरे देश में खास पहचान रखता है। यहाँ के प्रमुख
ऐतिहासिक इमारतों को देखने लोग देश के कोने कोने से आते हैं। इन इमारतों का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान लखनऊ के नवाबों ने करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।